सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एक और न्यू ईयर एंड ईयर के बारे में। क्या हम इसे न्यू ईयर एंड ईयर बोल सकते हैं? ना। तो एनिमे का नाम है द किंगडम ऑफ रुइन, जो कि आपके दिमाग को बिल्कुल हिलाकर रख देगा। और कैसे एक सिंगल लौंडा एक पूरे दुनिया की वॉट लगाता है, और वो ऐसा क्यों करता है, किस लिए करता है और कैसे करता है, वो सब आपको इस एनिमे में दिखने वाला है। तो एनिमे की प्लॉट की बात करें तो ये एक ऐसे वर्ल्ड पर बेस है जहाँ गॉड ने पहले ह्यूमंस को बनाया एंड उनके हेल्प के लिए विचेस को बनाया। तो स्टार्टिंग में तो विचेस और ह्यूमंस के बीच बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं और समय के साथ डेवलप हो जाते हैं, जहां अब इन्हें इन विचेस की जरूरत नहीं रहती। तो अब वहां का किंग, या फिर आप कह सकते हो वहां का एम्परर कहता है, अब हमारे पास हर चीज है, एवरी सिंगल थिंग, अब हमें उन विचेस की जरूरत नहीं है और ना उनके मैजिक की। सो वो उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है, किल एवरी सिंगल विचेस। और वहां के लोग इस बात से बिल्कुल भी एग्री है कि सारे विचेस को मारना सही डिसीजन है। तो अब क्या ही कहना, उन विचेस को इतने बेरहमी तरीके से मारा जाता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर एक विचेस को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है जिन्होंने एक टाइम पर उनकी हेल्प करी थी, एंड उनकी मौत से किसी को कोई भी अफसोस नहीं, बल्कि वहाँ उनके मौत को एकदम सेलिब्रेट किया जाता है जैसे कि कोई पार्टी वार्टी चल रही है। इन सारे विचेस को खत्म करने के बाद देयर वाज अ सिंगल विच जिसने अभी तक सरवाइव किया है, जिसका नाम क्लोई है। उसके साथ एक सिंगल लौंडा होता है जिसका नाम एडोनिस रहता है, कि हाफ ह्यूमन और हाफ विच रहता है, एंड ही इज नो अबाउट ह्यूमन काइंड कि उन्होंने कितने बेरहमी तरीके से विचेस को मारा है, एंड वो बहुत ही ज्यादा नफरत करता है उन ह्यूमंस से। एंड वो दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह भाग रहे हैं, एंड एक दिन एम्परर के सोल्जर उन्हें पकड़ लेते हैं, एंड उसके बाद जो एम्परर ने उस विच के साथ किया, ने ब्रूटल तरीके से उसे मारा गया कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड एडोनिस ने जो वहाँ देखा कि लोग वहाँ कितने खुश हो रहे हैं, पिक्स ले रहे हैं, इसे एंजॉय कर रहे हैं, एंड अब क्लोई को पता था कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, एंड वो अपने जाने से पहले शी वांट टू से आई लव यू एडोनिस, बट उसके ये कहने से पहले ही एम्परर ने उसे गोली मार दी। और उसके बाद भी वो नहीं रुके, उसे लगातार गोलियों से छल्ली भी किया गया, लास्ट में उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। पूरी दुनिया की नजर में ये सब एक मजाक चल रहा था, वो हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर एडोनिस जो उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाता है, बट वो उसी मोमेंट में ये डिसाइड कर लेता है कि वो पूरी दुनिया से इसका रिवेंज लेगा। एंड जब वो मोमेंट आएगा, इट्स गोना क्रेजी मोमेंट। ये एनिमे अभी रिसेंटली ही रिलीज हुआ है, जिसके अभी तक 7 एपिसोड आ चुके हैं, एंड अकॉर्डिंग टू गूगल इसके फर्स्ट सीजन में केवल 12 एपिसोड होने वाले हैं, और आप इस एनिमे को शुरू से लेकर लास्ट तक एंजॉय करने वाले हो, एंड मेरे ख्याल से आप इसे बेस्ट ऑनगोइंग एनिमे भी कह सकते हो। एंड यू नो, एनिमे से कनेक्ट होने के लिए उसकी मेन स्टोरी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और यहाँ आप बिल्कुल भी निराश नहीं होते। आप इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड से ही बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो, और एनिमे के हर एक एपिसोड को ऐसे जगह एंड किया जाता है जहां आप इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेसब्री से इंतजार करते हो। और एनिमे की स्टोरी काफी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि कहां से कौन कैरेक्टर आएगा, उसके साथ क्या होगा, वो तुम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, और आखिरी में तो ये आपका दिमाग घुमा कर रख देगा कि क्यों भाई, क्यों, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। और इसे देखकर बार बार मुझे एक ही लौंडे की याद आ रही थी, जो कि अपने प्यार के लिए पूरे वर्ल्ड से रिवेंज लेता है, और इनके रिवेंज के आगे कोई भी लाइफ मैटर नहीं करती, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई इनोसेंट पीपल हो। और अभी तक मैंने जो इसका मांगा पैनल देखा है, तो मैं केवल एक ही बात बोलूंगा, मजा आ गया। और भला एक एनिमे लवर को एनिमे से क्या चाहिए? एनिमे की परफेक्ट स्टोरी, परफेक्ट मेन कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर, हिस्ट्री, ओपनिंग, एंडिंग, प्लॉट, सब कुछ, बट इसका एनिमेशन ओके ओके है। तो जाओ देखो इस एनिमे को और कमेंट करो कि आपको ये एनिमे कैसा लगा, क्योंकि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट थॉट होते हैं। सो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उस फ्रेंड के साथ जो कि अभी तक ओबिटो और एरेन यागर के गम में है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही एनिमे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। जब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।